Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you students? I hope all of you are fine and you are in the best condition of health and iman. I am your science teacher and this is our video lecture number 15. And in this lecture, we are going to study science and our class is 2. Hum class 2 science ka video lecture number 15 dekh rahe hain. In this lecture, we are going to study our book pages 41 and 42. Dear students, agar aap page number 41 ko kholenge, to aap dekhenge uske top ke upar aapko fun pages likha nazar aayega. To zahiri baat hai, agar book pe fun pages likha hua hai, to iska matlab ye hai ki is lecture mein bhi aapko bahut sara fun karne ko mil sakta hai. To isliye aap is lecture ko dhyan se dekhenge aur hum ise लर्न करने की कोशिश भी करेंगे. एक और बात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि ये हमारी एक तरह की दोहराई है या इसको आप एक टेस्ट समझ लें. वो क्यों? वो इसलिए कि हम ऑलरेडी प्लांट्स की रीडिंग कर चुके हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, जो कुछ भी आएगा, ये आपको उस रीडिंग में से ही आएगा. ठीक है, चलें अब हम ऐसा करते हैं कि अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं. और लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम इस लेक्चर के दो हिस्से करेंगे. पहले हिस्से के अंदर हम एमसीक्यूज को हल करेंगे और जब हम एमसीक्यूज को हल कर रहे होंगे तो जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो फौरन आपके जहन में ये बात आएगी कि इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और इस तरह आपकी रिविजन भी हो जाएगी. और अगर इसको आप एज ए टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप इसको एज ए टेस्ट भी ले सकते हैं. चलें तो फिर हम अपने लेक्चर से बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है. तो हम सबसे पहले एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे. तो हमारा पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स. तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास स्पेलिंग्स मौजूद हैं. आप देख रहे हैं जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है रेड कलर में, तो ये हमारा पहला स्पेलिंग है. ये लिखा हुआ है ए जी ओ ई एन ई. तो इसे कोई बात समझ आई आपको? नहीं, मुझे तो नहीं समझ आ सकी. तो अगर आपको बात समझ आई है तो मुझे बताएं. चलें, इन स्पेलिंग से तो कोई भी लफ्ज नहीं बनता हुआ नजर आ रहा. अब हम देखते हैं ऑप्शन बी में क्या है. ऑप्शन बी में हमारे पास है ई ओ एन जी ई ए. तो ये भी कुछ ऐसा लगता है कि शायद सही ऑप्शन नहीं है. ये भी कोई सही स्पेलिंग मुझे मालूम नहीं हो रहे. चलें अब हम देखते हैं ऑप्शन सी में क्या है हमारे पास. ऑप्शन सी में हमारे पास है एन ई ओ ए जी ई. नियो एज लफ्ज तो बन गया लेकिन इसका मतलब क्या है ये तो मुझे समझ नहीं आया. तो चले अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन डी में क्या है. हाँ, ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है. ऑप्शन डी में हमारे पास है ओ आर ए एन जी ई. ओ वाओ, ये तो बन गया ऑरेंज. तो इसका मतलब ये है कि हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है. जी बिल्कुल, हमारा जो ऑप्शन ठीक है वो है ऑप्शन डी. तो अब हम ऑप्शन डी को क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे. वेरी गुड. तो हमारा इस तरह पहला एमसीक्यू सॉल्व हो गया. तो अब आप क्या आपने अपनी बुक्स को खोला हुआ है, असेसमेंट शीट्स को पेज नंबर लेक्चर नंबर 15 पे? अगर नहीं खोला तो चलें अब आप इनको खोल लें और मेरे साथ साथ इसको सॉल्व कर लें, तो आपके असेसमेंट शीट भी आपको सॉल्व हो जाए और आपको सारी बात समझ भी आ जाए. तो हमने अपना पहला एमसीक्यू सॉल्व कर लिया जिस जो हमारे लेक्चर नंबर 15 साइंस के सब्जेक्ट पे मौजूद है. चलें अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आया विच ऑफ दीज इज कम फ्रॉम प्लांट्स. यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी चीज ऐसी है या कौन सी चीजें ऐसी हैं जो प्लांट से बनती हैं. तो पहला हमारे पास ऑप्शन है ए और लिखा हुआ है लैपटॉप. भाई लैपटॉप तो प्लांट पे नहीं उगता, वो तो हम शॉप से परचेज करके लाते हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता. अगला ऑप्शन हमारे पास है कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल, ओके. तो कोकोनट तो बड़ी मजे की चीज है, आपने खाई होगी. तो इट मींस कि जो कोकोनट से ऑयल निकलता है उसके बारे में पूछा गया है. तो जो कोकोनट्स हैं मेरा ख्याल है कि वो दरख्तों पे लगते हैं, पता है आपको इस बात का? गुड. तो इट मींस कि जो कोकोनट ऑयल है वो प्लांट से आएगा. तो इसका मतलब यह है कि हमारा ऑप्शन बी ठीक हो सकता है, लेकिन अभी हम बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे.
तो अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शन सी में क्या है, इस पे लिखा हुआ कीज। मेरा ख्याल है कीज तो प्लांट्स में नहीं लगती, तो ऑप्शन सी भी ठीक नहीं है। ऑप्शन डी पे लिखा नन, यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं। तो मुझे लगता है कि जो कोकोनट ऑयल वाला ऑप्शन है, जहां पे इस हम ये रेड सर्कल मूव करवा रहे हैं, यही वो सिर्फ चीज है जो कि प्लांट से बनकर आती है। तो अब देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर। जी बिल्कुल, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कोकोनट ऑयल ही है। चलिए शाबाश, अब आप ऐसा करें कि अपनी असेसमेंट शीट पे क्वेश्चन नंबर 1, एमसीक्यू नंबर 2, और इसमें किस ऑप्शन को सर्कल करना है आपने। जी बिल्कुल, इसमें आप करेंगे ऑप्शन बी को सर्कल, जो कि है कोकोनट ऑयल। वेरी गुड। चलें जी, अब हम ऐसा करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्कल द करेक्ट वन, इनमें से जो आपको वर्ड सही लग रहा है हम उसको सर्कल कर देंगे। जैसे कि मुझे लगता है कि ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ तो समझ नहीं आ रहा, ऑप्शन बी में क्या लिखा है बनाना, इसका तो स्पेलिंग रॉन्ग है, ऑप्शन सी में बनाना, इसके भी स्पेलिंग और रॉन्ग है, तो ऑप्शन डी में जो बनाना लिखा हुआ है ना, इसके स्पेलिंग मुझे ठीक लग रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? सही ख्याल है आपका, ऐसा ही है। जी बिल्कुल, ऑप्शन डी ही हमारा सही ऑप्शन है। चलें देखते हैं ऑप्शन डी पे सर्कल लगता है या नहीं लगता। वाओ, ये सर्कल हमारा ऑप्शन डी पे लगा और हमारे करेक्ट स्पेलिंग है बनाना। चलें शाबाश, अपनी असेसमेंट शीट्स खोलें आप और इसमें सामने देखें कि क्वेश्चन नंबर 1, एमसीक्यू नंबर 3, और इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है। जी बिल्कुल, वो है बनाना, यानी कि ऑप्शन डी को आपने सर्कल करना है। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं, और आगे चलते हुए हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके जी, ये है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज आर नॉट कम फॉर फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो प्लांट से नहीं बनती। चलिए देखते हैं जी, तो पहली चीज हमारे पास सामने क्या है, वो है बल्ब। बल्ब देखा हुआ है आप लोगों ने? जी बिल्कुल, जो हमें लाइट देता है, तो क्या वो प्लांट से बनता है? बिल्कुल नहीं बनता प्लांट से वो। चलिए नेक्स्ट चीज क्या है जी, नेक्स्ट चीज हमारे पास है टी पॉट। टी पॉट आप घरों में चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जरा सोचे कि जो टी पॉट है हम किसी दरख्त से तोड़ के लाते हैं या किसी पौधे पे उगता है? बिल्कुल नहीं, तो इसका मतलब यह है कि टी पॉट्स भी प्लांट से नहीं बनकर आते। चलें जी, अब हम आगे देखते हैं, आगे है हमारे पास पास ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है ग्लास वेज, यानी कि एक शीशे का गुलदान। तो जो शीशे का गुलदान है वो भी जाहिर बात है किसी झाड़ी में, किसी दरख्त पे या किसी जड़ी बूटी में तो नहीं होता, वो तो लोग खुद हाथ से बनाते हैं। तो इट मींस के ग्लास वेज भी प्लांट से नहीं बनता। तो इसका मतलब ये है कि जो तीनों चीजें हमने देखी, ऑप्शन ए में बल्ब, ऑप्शन बी में टी पॉट और ऑप्शन सी में ग्लास वेज, इनमें से कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो कि दरख्त पे बनती है या किसी पौधे पे लगती है। तो फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि दरख्तों पे नहीं लगती या प्लांट से नहीं बनती। तो देखते हैं हमारे पास करेक्ट ऑप्शन किस पे सर्कल होता है। जी बिल्कुल ठीक, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो इसका मतलब ये है कि आपने 4 मार्क्स के अपने एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया अपनी असेसमेंट शीट पे। चलें जी, अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो बच्चों, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसको समझते हैं और फिर इसको हम मजे से सॉल्व करेंगे। तो हमने क्वेश्चन हमारा है, हेयर आर सम कॉमन प्रोडक्ट्स, राइट विच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स कम फ्रॉम प्लांट्स एंड विच आर नॉट कम फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ आ गया। हमें 10 चीजें दी गई हैं डिफरेंट किस्म की, और हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी चीजें ऐसी हैं जो प्लांट से आती हैं और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो प्लांट से नहीं आती। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, तो सबसे पहले हमारे पास है बल्ब। अच्छा, ये तो हम अपने एमसीक्यूज में देख चुके हैं, बल्ब, क्या बल्ब प्लांट से आता है? बल्ब तो प्लांट से नहीं आता, तो इसको हम किस तरफ लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे उस कॉलम के अंदर जहां पर लिखा हुआ है डू नॉट कम फ्रॉम प्लांट्स, जो चीजें प्लांट से नहीं आती।
तो देखें हम बलम राइट करेंगे बिल्कुल अपने राइट साइड वाले कॉलम में जहां लिखा हुआ है चीजें प्लांट से नहीं बनकर आती। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कोकोनट ऑयल। चले मजे की बात यह है कि यह भी हमने अपने एमसीक्यूज में देखा था कि कोकोनट ऑयल कहां से आता है। जी बिल्कुल, तो कोकोनट ऑयल तो आता है प्लांट से, तो देखते हैं क्या इसका ऑप्शन आता है। जी बिल्कुल, कोकोनट ऑयल प्लांट से आएगा, तो उसको हम प्लांट्स वाले कॉलम में लिखेंगे। तीसरी ऑप्शन हमारे पास है वनीला फ्लेवर। तो वनीला फ्लेवर किस चीज से बनेगा, आपको पता है वनीला क्या होता है। जी बिल्कुल, वनीला एक हमारे पास प्यारा सा फूल होता है और उसका एक मजे का फ्लेवर भी होता है, जैसे वनीला आइसक्रीम खाते हैं आप और वनीला बिस्किट्स भी होते हैं, तो ये जो वनीला फ्लेवर है ये भी प्लांट से आता है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कीज। कीज तो आप रोजाना देखते हैं घरों के अंदर, ये तो प्लांट से नहीं बनी होती, तो देखते हैं ये कहां अपीयर होती हैं। जी बिल्कुल, जो कीज है वो भी प्लांट से नहीं बनी हुई। पांचवी चीज हमारे पास जो है वो है ग्लास वेज। जो ग्लास वेज है ये भी प्लांट से नहीं बना हुआ, तो ये किस तरफ आएगा। जी बिल्कुल, ये उसी कॉलम में आएगा जहां पर हम उन चीजों को लिस्ट कर रहे हैं जो प्लांट से नहीं बनी होती। ये इंटरेस्टिंग चीज है कॉटन टॉवल। कॉटन टॉवल जो है पता है किस चीज का बना होता है, एक पौधा है उसे हम क्या आम जमान में कहते हैं कपास। देखा होगा आप लोगों ने, जो लोग गांव में रहते हैं उन्होंने देखा होगा कपास क्या होती है। उस कपास के ऊपर जो चीजें उगती हैं उनसे हम डिफरेंट किस्म के कपड़े और बहुत सारी चीजें बनाते हैं जो पहनने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो जो कॉटन का टॉवल है ये भी उसी पौधे से बनता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉटन टॉवल्स हमें कॉटन के प्लांट की वजह से आते हैं। तो इसको हम किस तरफ लिखेंगे, जी बिल्कुल इसको हम लिखेंगे उन चीजों की लिस्ट के साथ जो कि प्लांट से बनकर आती हैं। आगे हमारे पास है सिनेमन। सिनेमन हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम उर्फ आम में दारचीनी भी कहते हैं, ये तो हमने देखा होगा इसको किचन में। तो दारचीनी भी हमारे पास पौधों से आती है। अब हमारे पास है अगला ऑप्शन, इसका नाम है क्रेयॉन्स। ओके, क्रेयॉन्स तो आप लोग कलर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्रेयॉन क्या पौधे पे उगते हैं, नहीं, क्रेयॉन्स पौधे पे नहीं उगते। तो इसे हम किस लिस्ट में डालेंगे, इसे हम डालेंगे उस लिस्ट के अंदर जिसमें चीजें प्लांट से नहीं बनती। अगला ऑप्शन इंटरेस्टिंग है, ये लिखा है मैगजीन। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ऑप्शन इसलिए है कि आपको शायद लगे कि मैगजीन प्लांट से नहीं बनता, लेकिन मैं आपको बताता हूं मैगजीन में जो कागज लगा होता है वो सारा के सारा कागज प्लांट से ही बनता है। तो इसलिए हम मैगजीन को उस लिस्ट में लिखेंगे जहां पर चीजें हमारे पास प्लांट से बनकर आ रही हैं। चलें जी, ये हमारा हो गया नौवां ऑप्शन, मैगजीन जो है वो प्लांट से बनकर आते हैं। आखिरी ऑप्शन है नेल पॉलिश। मुझे लगता है आप लोगों ने नेल पॉलिश तो देखी होगी, तो क्या लगता है नेल पॉलिश प्लांट पे बनेगी। आपको ठीक लगता है नेल पॉलिश प्लांट पे नहीं बनेगी, तो नेल पॉलिश को हम वहां डालेंगे जहां पे हम उन चीजों की लिस्ट बना रहे हैं जो प्लांट से नहीं बनकर आती। जी तो बच्चों, तो अब हम नेल पॉलिश को किस लिस्ट में डालेंगे, नेल पॉलिश आएगी हमारी इस लिस्ट के अंदर जहां पर चीजें प्लांट से बनकर नहीं आती। तो आपको पता है ये क्वेश्चन कहां पर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और हमारा ये साइंस का लेक्चर नंबर 15 आपकी असेसमेंट शीट में मौजूद है। तो इसकी मदद से आप आसानी के साथ अपनी असेसमेंट शीट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, और अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।